हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। ये अपडेट आया आज मॉर्निंग में ही और मैंने सोचा कि इसके ऊपर तुरंत के तुरंत वीडियो बना दूं। बट इससे पहले मैं पीटर पार्कर का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं चश्मा पहनने कैसे भूल सकता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। तो आज ऑफिशियली स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्टर रिलीज हुआ है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस पोस्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। जो मार्वल के डाई हार्ड फैंस हैं, उन्होंने तो उस पोस्टर में देख लिया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। बट जो नहीं देख पाए हैं, मैंने उनके लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो आज मैं इस पोस्टर का फुली ब्रेकडाउन करने वाला हूं कि इस पोस्टर में हमें क्या क्या देखने को मिला, वो भी कब रिलीज होगी, और देन इसके साथ ट्रेलर सेकंड कब रिलीज हो सकता है। तो एवरीथिंग, सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस पोस्टर का ब्रेकडाउन करने से पहले आप देख सकते हैं, ये है फुल पोस्टर जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम का आज ही रिलीज हुआ है। टाइटल, स्पाइडरमैन का लोगो, एवरीथिंग इसमें बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। मूवी 17 दिसंबर को रिलीज होगी, ये ऑफिशियली पोस्टर में कंफर्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए कि जो सबसे बड़ा हाईलाइट विलेन है इस मूवी में, वो है डॉक्टर ऑक्टेरियस। जी हाँ, डॉक्टर ऑक, जो कि स्पाइडरमैन से हमारे लड़ने वाले हैं, जो कि पीटर पार्कर का सूट तोड़ने वाले हैं, जो कि हमें इस पोस्टर में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, टीजर में भी ये हमें देखने को मिला था कि हाँ, स्पाइडरमैन का तो सूट टूटने वाला है, ऐसा लगता है। तभी तो स्पाइडरमैन अपना न्यू सूट बनाता है, समथिंग लाइक ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। देन दूसरा, जो स्पाइडरमैन के डाई हार्ड फैंस ने देख लिया होगा कि जो विलेन हमें इस पोस्टर में दिखाया गया वो है डॉक्टर ऑक्टेरियस के साथ साथ ग्रीन गॉब्लिन। जी हाँ, अब ग्रीन गॉब्लिन की अगर खूबियों की बात करी जाए इस पोस्टर में, तो फाइनली वो अपने आइकॉनिक क्लासिक हेलमेट के साथ नजर आ रहे हैं, जो कि हमें स्पाइडरमैन की पुरानी वाली मूवी में देखने को मिला है। यानी कि मल्टीवर्स कंफर्म है। और देन अगर मल्टीवर्स का नाम आ चुका है, तो फाइनली सोनी ने ऑफिशियली ट्वीट करके ये पोस्टर डाला था, और उन्होंने साफ साफ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मल्टीवर्स खुल चुका है। जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। और देन उसके साथ अगर थर्ड विलेन की बात करी जाए, तो आसमान से ऊपर नीचे तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो है हमारा इलेक्ट्रो। जी हाँ, फेस अभी तक रिवील नहीं करा है, कोई आइकॉनिक ऐसी चीज रिवील नहीं करी गई है, क्योंकि ये अमेजिंग स्पाइडरमैन से कनेक्टेड होती है, तो शायद इतना हाईलाइट नहीं करा है। बट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इस पोस्टर में इलेक्ट्रो को भी फीचर करा गया है। सिंपल सी बात है, तीन विलेन हो चुके हैं। और फाइनली अगर फोर्थ विलेन की करी जाए बात, तो इसमें जो चौथी पीछे से काफी सारी सैंड आ रही है, ठीक है, काफी सारी मिट्टी हवा में उड़ रही है, तो इसका मतलब इस मूवी में सैंडमैन भी है। और देन इस पोस्टर में टोटल चार विलेन्स को फीचर करा गया है, जिसमें कि हमारा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन लड़ने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। और देन देख सकते हैं कि आसमान है पीछे, डार्क है, और देन चारों विलेन एक साथ हैं, यानी कि हमारा इकलौता पीटर पार्कर स्पाइडरमैन जो कि एमसीयू का है, वो इन चारों विलेन से लड़ने वाला है। अब थोड़ा सा अगर थ्योरी की बात करी जाए, तो थ्योरी ये बताती है कि एंडिंग के फाइटिंग सीन में, जो कि होगा करीब 40 मिनट का, इस 40 मिनट में हमें न्यूयॉर्क सिटी यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास लड़ाई होती नजर आएगी, जिसमें कि शायद एंड्रू गारफील्ड, टॉमी मैकफाई भी पोर्टल खोलकर आएंगे लड़ने के लिए, इसका साथ देंगे, समथिंग ऐसी थ्योरी है। तो देखते हैं क्या होता है। और देन पोस्टर आज रिलीज हो गया, बहुत ज्यादा कमाल का है। 17 दिसंबर ऑफिशियली रिलीजिंग डेट दे रखी है, यानी कि मूवी डिले नहीं होगी। सिर्फ मूवी डिले हुई है फिलीपींस में, जो कि 8 जनवरी को रिलीज होगी, तो इंडिया में भी 17 दिसंबर को ही रिलीज होगी। तो होगा के बाद हमें दिसंबर के महीने में ये कमाल की मूवी देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।